हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आप लोग किसी भी ऑब्जेक्ट या अपने प्लेयर को मूव करते हुए जंप करा सकते हैं बहुत ही आसानी से, वो भी अपने जो आप लोग बटन प्रोवाइड करेंगे अपने यहाँ पर स्क्रीन पर उसकी मदद से, ठीक है, एंड्रॉयड फ़ोन के लिए या iOS के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को एक सी शार्प स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। राइट क्लिक करके क्रिएट देन सी शार्प स्क्रिप्ट में क्लिक करते ही आप लोग को इस तरह से एक फाइल बन जाएगा। उसके बाद इसको आप लोग को ओपन कर लेना है। आप लोग इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं या फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन में प्रेस करके भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो हमारा सी शार्प स्क्रिप्ट खुल जाएगा। मैंने यहाँ पहले से ही बना के रखा है ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो मैं आप लोग को स्क्रिप्ट स्टेप बाई स्टेप दिखा दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये तो हम लोग का यहाँ पर क्लास है, क्लास का नाम प्लेयर मूव दे दिया है। उसके बाद ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा वेरिएबल्स है, बुलियन वेरिएबल्स, फ्लोट वेरिएबल्स, ये सब दे दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पीड और जंप फोर्स भी यहाँ पर मेंशन कर दिए है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग को नीचे आ जाते हैं यहाँ पर रिजिड बॉडी में, ठीक है। यहाँ पर दे सकते हैं इसको रिजिड बॉडी कंपोनेंट को आरबी में इसको रेफरेंस दे दिए है रिजिड बॉडी का, ठीक है। उसके बाद जो गेम ऑब्जेक्ट में हमारा रहता है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग स्टार्ट फंक्शन देख सकते हैं। यह स्क्रिप्ट स्टार्ट होने का पहले यहाँ पर एक बार ही ये रन होता है। उसके बाद यहाँ पर आरबी जो है यहाँ पर क्या है, रिजिड बॉडी के कंपोनेंट को गेट कर लेता है। ओके, देखिए यहाँ पर ये आरबी है जो रिजिड बॉडी कंपोनेंट को गेट कर लेता है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पॉइंटर लेफ्ट डाउन है, ये सब क्या है, हमारा जब ही बटन प्रेस होगा तब ये क्या हो जाएगा, मूव लेफ्ट हमारा ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेम इसी तरह यहाँ पर जब बटन हमारा यहाँ पर रिलीज़ होगा, देखिए मूव लेफ्ट ये हमारा जो वेरिएबल बनाए थे बुलियन मूव लेफ्ट, वही यहाँ पर हमारा मूव लेफ्ट यहाँ पर इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया है। सेम नेक्स्ट जब हमारा बटन प्रेस नहीं होगा तब ये क्या, फॉल्स रहेगा। ओके, मतलब लेफ्ट में मूव नहीं करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए सेम उसी तरह मूव लेफ्ट का किए थे तो सेम उसी तरह मूव राइट का भी किए है, ठीक है। ट्रू और फॉल्स यहाँ पर हम लोग कर दिए है मूव राइट को। ओके, देन यहाँ पर मूव पॉइंटर अप राइट को भी यहाँ पर फॉल्स कर दिए जब बटन प्रेस नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए मूवमेंट प्लेयर नाम का मेथड है, ये इसको अपडेट में इसको कॉल कर दिए है ताकि क्या होगा कि ये हर फ्रेम में एक बार ही यहाँ पर मतलब कॉल होगा, ठीक है। उसके बाद इसका वैल्यू हॉरिजेंटली अपडेट हो जाएगा जो जीरो है। यहाँ पर स्क्रिप्ट लगा दी है, अगर मूव में लेफ्ट होगा तो क्या होगा, ठीक है। स्पीड देखिए यहाँ पर माइनस कर दिया है। उसके बाद सेम उसके बाद नहीं होगा तो एल सेट में इसको मूव राइट में कर दिया है, ठीक है। इस तरह करके आप लोग सिंपली देख सकते हैं, कोड को अपने आप समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आ जाते हैं, मतलब जब हम लोग का प्लेयर जंप करेगा तो, ठीक है, सिंपली सी स्क्रिप्ट्स का मतलब मदद से ये होगा कि आप लोग का प्लेयर मूवमेंट के साथ साथ मतलब क्या होता है, जंप कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक तो हम लोग फिक्स्ड अपडेट मेथड यहाँ पर लिखे है, ठीक है। इसका मतलब ये है एक हर फिक्स्ड फ्रेम रेट के बाद ये तो क्या होगा, अपडेट होगा, मतलब ये मेथड कॉल होगा हर फिक्स्ड टाइम का अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एटो में किसके अंदर लिखा हो, एटो में क्लास का अंदर यहाँ पर लिख दिया हो ये फिक्स्ड मेथड, तो हाँ आप लोग देख सकते हैं ये फिक्स्ड मेथड में इस क्लास के अंदर है। देखिए ये क्लास यहाँ पर ख़त्म होता है, उसके बाद इसके अंदर फिक्स्ड अपडेट मेथड को लिखा हो, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हैं स्क्रिप्ट को, ज़्यादा मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, आप लोग जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बस हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने देखिए मूवमेंट प्लेयर का स्क्रिप्ट लगा दिया हो जो मैं आप लोग को पहले से बताया हूँ, हाँ ये इफ़ ये होगा नहीं तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद अगर दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो ये जीरो रहेगा हॉरिजेंटली लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट का, ठीक है। तो इसी तरह कुछ हम लोग का स्क्रिप्ट है, देखिए प्लेयर मूवमेंट इसको हटा सकते हैं, इसको मैंने पहले ही कुछ दूसरा कोड करके रखा था, ठीक है, और एनिमेशन का तो वैसे हटा रहा हूँ। उसके बाद ये देखिए पॉइंटर डाउन जंप है, ये मेथड तो है
जिसमें मूव लेफ्ट करेगा तो उसके बाद क्या जंप का साथ ही हम लोग का क्या होगा मूव करेगा प्लेट हो, मतलब मूवमेंट का साथ ही जंप करेगा, ठीक है। मूव लेफ्ट होगा तो अगर मूव राइट हुआ तो उसका साथ ये मतलब राइट मूवमेंट का साथ यहाँ पर जंप करेगा, जंप फोर्स अप्लाई होगा। हाँ, उसके बाद देखिए आर बी डॉट वेलोसिटी इतना हो जाएगा। उसके बाद ये सिंपली ये सब कोड आप लोग इसको देख सकते हैं, ये सब आप लोग को आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा तो आप लोग का काम बन जाएगा, आप लोग जैसा मूवमेंट चाहते हैं वैसा बन जाएगा। आप लोग को यूट्यूब में ऐसा देखने को शायद ही मिलेगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर कोड का पार्ट यहाँ पर हम लोग एंड करेंगे। हाँ, आप लोग इसको मैं स्क्रॉल करके आप लोग को पूरा कोड दिखा दे रहा हूँ किस तरह से है, देखिए। अब हम लोग इसका बताएंगे अपने यहाँ पर यूनिटी में। यूनिटी में आकर हम लोग को सबसे पहले एक बेस सेट ऑफ ग्राउंड बनाएंगे और एक प्लेयर बनाएंगे, ठीक है। आप लोग को समझाने के लिए इसमें इसको आप रियल प्लेयर के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी अपने ऑब्जेक्ट के साथ, कोई भी कैरेक्टर के साथ या ग्राउंड के साथ आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ सीन में यहाँ पर देखिए हायरार्की में आएंगे। हाँ, हायरार्की में इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, एडो बहुत ही लो मतलब जूम आउट हो गया था, जूम इन इसको करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हायरार्की है, यहाँ पर हायरार्की में राइट क्लिक करके यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट में आकर यहाँ पर देखिए स्प्राइट्स 10 स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोग को एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको मैं प्लेयर नाम दे देता हूँ, यहाँ पर आप लोग इसको प्लेयर दे सकते हैं, नहीं इसको मैं ग्राउंड दे दूँगा पहले। ओके, तो इसको मैं ग्राउंड दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो स्केल टूल है ऊपर आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, हाँ स्केल टूल, इससे मैं इसको स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, हॉरिजेंटली इसको स्केल कर लूँगा, ये हमारा ग्राउंड बन जाएगा। हाँ, उसके बाद मूव टूल की मदद से इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके 2D ऑब्जेक्ट्स देन स्प्राइट्स देन स्क्वायर इसको मैं प्लेयर कर दूँगा, ठीक है। इसको मैं प्लेयर बनाऊँगा, तो इसको मैं इसका नाम सिंपली प्लेयर कर दूँगा, ये हमारा प्लेयर बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका ग्राउंड है, ग्राउंड के अंदर यहाँ पर देखिए प्रॉपर्टीज़ में आना है, देन ऐड कंपोनेंट्स में आकर इसमें हम लोग को क्या करना है, बॉक्स कोलाइडर 2D, यहाँ पर ये 2D गेम है तो 2D यहाँ पर बॉक्स कोलाइडर 2D करना है। प्लेयर में भी बॉक्स कोलाइडर 2D कर देंगे। बॉक्स कोलाइडर 2D की मदद से ही हम लोग को यूनिटी को पता चलेगा कि ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी इसमें कोलाइड होने के बाद कुछ होगा। देन यहाँ पर प्लेयर में हम लोग रिजिड बॉडी 2D को भी ऐड कर दिए है। देन अगेन हम लोग राइट क्लिक करके यहाँ पर 2D ऑब्जेक्ट्स, 2D ऑब्जेक्ट्स नहीं, यहाँ पर UI, देन यहाँ पर बटन, यहाँ पर हम लोग बटन बना लेंगे। हाँ, तो यहाँ पर लेफ्ट राइट और अप, मतलब 3 बटन होगा, हम लोग 3 बटन यहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कंट्रोल डी करके यहाँ पर 3 बटन बना लेंगे कॉपी करके। देन यहाँ पर सबका नेम दे देंगे, इसका नेम जंप दे देते हैं। देन ये सेकंड वाला का नाम हम लोग दे देते हैं लेफ्ट मूव, ठीक है, यहाँ पर मूव दे देते हैं लेफ्ट मूव। उसके बाद यहाँ पर सबसे नीचे वाला है इसका राइट मूव यहाँ पर दे देंगे इस बटन का नाम। आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जो जंप बटन है इसके अंदर टेस्ट है, इसका नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पर जंप। देन यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर नीचे आइएगा, देन यहाँ पर देखिएगा बेस्ट फिट इसको चेक कर दीजिएगा, तो ये पूरा मिडिल सेंटर में आ जाएगा टेस्ट बटन के अंदर जो टेस्ट लिखा रहेगा। इसको भी सेम उसी तरह करेंगे लेफ्ट। उसके बाद यहाँ पर बेस्ट फिट यहाँ पर जो आ रहा है इसको भी चेक कर देंगे। देन यहाँ पर राइट में भी जो बेस्ट फिट है इसको भी हम लोग चेक कर देंगे। सबसे पहले नेम लिख देंगे यहाँ पर इसका राइट। देन यहाँ पर हम लोग का ये सब हो गया।
अब देखिए हम लोग का बटन है, राइट बटन दिखाई दे रहा है, सब इसको अब हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। पहले इसको राइट को सिलेक्ट करते हैं, देन यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे, देन इसको हटाएंगे, ठीक है। यहाँ हम लोग का उसके बाद यहाँ पर जंप बटन है, जंप बटन में सिलेक्ट करके इसको आगे करेंगे। तो हम लोग का यहाँ पर तीन ठो बटन रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने ठो मतलब पोजिशन इसको दे देंगे सही से, इसको जो बटन है देखिए यहाँ पर गेम में जाके इस तरह दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिंपली देखिए एट हो गया। अब देखिए राइट बटन के यहाँ पर बेस्ट फिट साइज चेक नहीं किए थे, इसीलिए इस तरह आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसका बेस्ट फिट में इसको चेक कर देंगे तो अपने सही हो जाएगा राइट बटन का नेम ठो। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अब इन लोग का जो तीन ठो बटन हम लोग का यहाँ पर देखिए रेडी हो गया। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को देखिए राइट मूव है, राइट मूव में आने के बाद यहाँ पर ऐड कंपोनेंट्स दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इवेंट ट्रिगर है, इसको सिलेक्ट करेंगे। हाँ देखिए या तो आप लोग यहाँ से सर्च कर सकते हैं इवेंट इवेंट ट्रिगर, देन इवेंट ट्रिगर आएगा, यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर ऐड न्यू इवेंट टाइप, यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर देखिए पॉइंटर यहाँ पर डाउन लिखा है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ओके देन यहाँ पर आप लोग को प्लस का आइकन में क्लिक करना है। देन यहाँ पर जो गेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लेयर जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको यहाँ पर आके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। देन यहाँ न्यू फंक्शंस में आके यहाँ पर जो प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट है उठे हम लोग ऐड नहीं किए प्लेयर के साथ, तो यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको ड्रैग करके स्क्रिप्ट को प्लेयर में जाके यहाँ पर ड्रॉप कर देना है। अटैच हो गया। अब हम लोग यहाँ पर अगेन राइट मूव बटन में आएंगे, देन यहाँ पर प्लस आइकॉन में क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो किए थे, देन यहाँ पर फंक्शंस में आके देखिए यहाँ पर प्लेयर मूव स्क्रिप्ट यहाँ पर शो हो रहा है। यहाँ पर आके आप लोग को पॉइंटर राइट डाउन यहाँ पर इसको क्या कर लेना, सिलेक्ट कर लेना है। अगेन आप लोग को क्या है, ऐड न्यू इवेंट टाइप में आके पॉइंटर आप कर सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आके देन अगेन आप लोग को यहाँ पर पॉइंटर राइट डाउन किए थे तो यहाँ पर पॉइंटर आप वाला करेंगे। सेम तरीके से हम लोग लेफ्ट बटन के साथ भी इसी तरह काम करेंगे। ऐड न्यू इवेंट में आके इवेंट सिस्टम, देन ऐड न्यू इवेंट में आके यहाँ पर आप लोग को पॉइंटर डाउन कर लेना है, ठीक है। एक बार पॉइंटर डाउन, एक बार पॉइंटर अप करेंगे, देन प्लस में आइकॉन में यानी यहाँ पर गेम ऑब्जेक्ट को ला के यहाँ छोड़ देना है यानी अपने प्लेयर को, ठीक है। देन आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, देन प्लेयर मूव स्क्रिप्ट, देन लेफ्ट डाउन, ऐड न्यू, उसके बाद पॉइंटर अप। हाँ तो हम लोग को यहाँ पर उसके बाद प्लेयर मूव में राइट डाउन, राइट अप हम लोग करेंगे यहाँ पर, सॉरी लेफ्ट अप को, हाँ डाउन किए थे अप किए थे। उसके बाद जंप में आके सेम इसी तरह करेंगे, ऐड न्यू इवेंट में इवेंट ट्रिगर, देन ऐड न्यू इवेंट टाइप, देन यहाँ पर आप लोग को सिर्फ क्या करना है, पॉइंटर डाउन, देन यहाँ पर आप लोग को प्लस में अगेन क्लिक करना है, देन गेम ऑब्जेक्ट को आप लोग को यहाँ पर प्लेयर को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। देन यहाँ फंक्शंस में आके प्लेयर मूव, देन पॉइंटर यहाँ पर पॉइंटर डाउन जंप, बस आप लोग को एक ही ठो यहाँ पर क्लिक करना है। हाँ तो आप लोग का काम बन जाएगा। अब आप लोग को एक ठो कंट्रोल एस से सेव कर लेना है। देन अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करके देखेंगे। तो इसको हम लोग रन करते हैं। हाँ तो हमारा स्क्रिप्ट अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग जैसे राइट लेफ्ट जंप, तो हम लोग का जंप का साथ में भी देखिए मूव हो रहा है। हाँ तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, आप लोग ग्रेविटी को कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप लोग इस रियल गेम से इससे बना सकते हैं इसकी हेल्प लेकर आप लोग। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।